हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम जो है लेकर के आए हैं आपके सामने जो कि एक है फिशर गोल्ड बग प्रो मेटल डिटेक्टर, और दूसरी तरफ है गैरेट ब्रांड का है ACE 350 मॉडल, जो कि मैं आज टेस्ट करने वाला हूँ इसका परफॉर्मेंस। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, तो आज हम इसका परफॉर्मेंस देखेंगे कि जो है फिशर गोल्ड बक में कितने आपको मतलब कि एयर टेस्टिंग में क्या डेप्थ मिल पाएगा, और गैरेट ACE 350 में क्या डेप्थ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और दोनों का एसेसरीज में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें से कि मैं फर्स्ट आपको दिखाना चाहता हूँ फिशर गोल्ड बग प्रो मेड इन USA का है, और इसमें आपको 5 साल वारंटी के साथ मिलेगा। दोस्तों, ये होता है 19 किलोहर्ट्स की फ्रिक्वेंसी में है, और इसमें स्पेशल नगेट हंटिंग के लिए जो है ये 5 इंच का कॉइल दिया जाता है। दोस्तों, ये यूजर मैनुअल होता है और एक हेडफोन होता है, और ये होता है इसका डिस्प्ले है, ये आप देख सकते हैं फिशर कंपनी का है, गोल्ड बग प्रो मॉडल है, और ये डबल डी प्लेट होता है, 11 इंची का होता है। और ये है दूसरी तरफ जो गैरेट ACE 350 में है। दोस्तों, ये सिर्फ ओनली वन इसमें हेडफोन है और यूजर मैनुअल है, ये देखिए बुक से, और ये इसका मशीन होता है, और इसमें ये 11 इंची की DD कॉइल है इसमें भी। ठीक है, और इसका डिस्प्ले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसका डिस्प्ले इस तरह है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं जो है इसका एयर टेस्टिंग करने वाला हूँ। दोनों का जो है मैं आपको बारकोड दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, खुद सीरियल नंबर वगैरह है, सब कुछ इसमें दिया गया है पूरा, आप देख सकते हैं। और जो है ये गोल्ड बग प्रो का है, इसका बारकोड कहाँ गया आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बारकोड है इसमें पूरा, आप अच्छे तरीके से। ठीक है, आप दोस्तों देखिए, मैंने दोनों मशीनों को जो है बराबर में रख दिया है, और मैं एक एक करके दोनों मशीनों को ऑन करता हूँ। ये देखिए, ये है फिशर गोल्ड बग प्रो, मैंने जो है इसको ऑन कर दिया हूँ। ठीक है, ये गेन होता है, गेन को आप जितना बढ़ाएंगे उस हिसाब से डेप्थ जो है मिलता है। ठीक है, और ये होता है डिस्कनेक्शन मोड और ऑल मेटल। तो ऑल मेटल पे क्या होता है, मशीन ज्यादा डेप्थ देती है, तो हमें ऑल मेटल पर ही यूज करना है। ठीक है, तो इसको मैंने ऑन कर दिया, मैं दूसरी मशीन को ऑन करता हूँ। ठीक है, इसमें देख सकते हैं ये मोड है, आपको जिस मोड में सर्च करना हो, ज्वेलरी, कस्टम, रैली, कॉइंस एंड जीरो, ठीक है, आप उस मोड पे सर्च कर सकते हैं। इससे डेप्थ भी बताता है, जो छोटे छोटे जो सिक्के कॉइन्स वगैरह होते हैं उनका जो है डेप्थ बताता है। इसको जो है मैंने ऑन कर दिया है। ठीक है, तो अभी मैंने इसको जीरो पे कर रखा है, इसमें भी जो है डिस्कनेक्शन मोड का फंक्शन दिया है। ठीक है, मैंने दोनों मशीनों को ऑन कर दिया हूँ। अब हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास देखिए अभी जो है, ये देखिए दोस्तों, अब हमारे पास ताला है, मैं ताले को जो है सर्च करता हूँ, ये छोटा सा है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया फिशर गोल्ड बग प्रो का भी
एयर टेस्टिंग का वीडियो और गैरेट एसी 350 का, दोनों को मैंने कंपेयर किया जो कि दोनों में सेम ही परफॉर्मेंस है दोस्तों। फिशर गोल्ड बग में क्या है कि ये 5 ईयर वारंटी के साथ है, मेड इन यूएसए का ये भी है, और गैरेट एसी 350 मॉडल भी जो है वो भी मेड इन यूएसए का है, लेकिन वो है गैरेट ब्रांड का दोस्तों। दोनों में सेम ही परफॉर्मेंस है, पिन पॉइंट का भी ऑप्शन दिया गया है, डिस्कनेक्शन मोड का भी फंक्शन दिया गया है। तो दोस्तों जो है, जो कि फिशर गोल्ड बग जो है 80-85 हज़ार रुपये समथिंग का है, और गैरेट का जो है वो 55 हज़ार रुपये का है। तो दोस्तों ये आप जो है, जो भी आपको लेना हो, मेरे पास हमेशा स्टॉक में मशीनें हैं, तो चाहे आप फिशर गोल्ड बग ले सकते हैं या चाहे आप गैरेट एसी 350 ले सकते हैं। दोनों का जो है, जो डबल डी प्लेट है 11 इंची का है दोनों में। अगर आप फिशर गोल्ड बग लेते हैं तो फिशर गोल्ड बग के साथ एक 5 इंची का कॉयल होता है जो कि स्पेशली नगेट हंटिंग के लिए होता है, इसलिए दोस्तों ये ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। और जो गैरेट एसी 350 मॉडल है उसमें जो है आपको सिंगल कॉयल मिलेगा जो कि 11 इंची का होता है। तो दोस्तों अगर आपको नगेट हंटिंग करना है तो नगेट हंटिंग के लिए सबसे अच्छा जो है आप ले सकते हैं फिशर गोल्ड बग प्रो, और अगर अदरवाइज जो है, अगर आपको जैसे कि क्वाइन हंटिंग करनी है या ट्रेजर हंटिंग करनी है 4-5 फीट तक ही सर्च करना है, तो आप ऐसे ही 350 मॉडल ले सकते हैं। अदरवाइज जो आपकी इच्छा हो, चाहे आप फिशर गोल्ड बग लीजिए या चाहे आप ऐसे ही 350 मॉडल लीजिए, या आप जो भी मशीन लेना चाहते हैं, मेरा नंबर दोस्तों आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।